नमस्कार दोस्तों, मैं अनंतवत्स आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के पहले साइंस चैनल पर विज्ञान और करके सीखें। फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर कुछ निशान, कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे साइन होते हैं ग्रीन कलर के, रेड कलर के और ब्लू कलर के। उनका मतलब होता है, जो रेड कलर के प्रोडक्ट होते हैं उनका मतलब होता है कि उनमें कुछ मांस और ये ऐसे मीट पदार्थ की तरीके की चीज़ें होती है। और जैसे कि ग्रीन कलर के होते हैं उनका मतलब होता है कि वे प्योर वेजिटेबल फूड होते हैं। तो जो नॉन वेज खाने वाले हैं वे इस बात का ध्यान रखें। और उसके हमें पानी की प्योरिटी के बारे में बताया इन्होंने, जैसे कि TDS टोटली डिजोल्व सॉलिड्स के बारे में बताया कि TDS जो नॉर्मल होना चाहिए वो 250 से 350 के बीच में रेंज होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पर अपने डाइट में जो पास के पानी जहाँ पर होता है वाटर कूलर, उसका पानी का जज किया, तो जो TDS है वो हमें नॉर्मल लेवल का मिला। और फिर हमने यहाँ पे आस पड़ोस के जो इधर नल के हैं या हैंडपम्प हैं उनसे जो पानी मिलता है उनको भी चेक किया, और वो भी हमें मतलब बेटर क्वालिटी में मिला। 3 दिन का जो खाद मिलावट प्रशिक्षण रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, और जो सर जी हैं दीपक सर जी, उन्होंने खाद मिलावट के जो नियम बताए, बच्चों को प्रशिक्षण दिया, वो काफ़ी अच्छा रहा। और मैडम प्रीति शर्मा जी, उन्होंने भी काफ़ी प्रेरणादायक बात बताई और काफ़ी प्रभावशाली रहा, और हम उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं। और ऐसे कार्य समय समय पर जागरूकता प्रदान करने के लिए होते रहे, और हमें भी काफ़ी जानकारियाँ हुई। डाइट में 3 दिवसीय विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लब द्वारा प्रैक्टिकली कार्यक्रम हुआ, उसमें हमने खाद पदार्थों में मिलावटी जांच के बारे में सीखा। हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों की हल्दी मिर्च इत्यादि खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई, तथा हमने कुछ क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी महसूस किया। और ये देखते हुए पाया गया कि बड़ो क्षेत्र की हल्दी मिर्च इत्यादि काफ़ी ठीक थी। इससे पहले मैंने ऐसी कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं की थी, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मुझे यहाँ पर जो जानकारी दी गई बहुत अच्छा लगा। इसमें एक तो थोड़ा इतिहास में बताया गया कि जो फूड अल्ट्रेशन पे जो सबसे पहले अधिनियम बना था वो 1954 में बना था, उसके बाद 2006 में बनाया गया, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जागरूक की गई कि लोग जो है इस चीज़ को जाने और अपने खान पान को सही करें। इसमें बहुत ही जो हमारे जो घरेलू इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे मिर्च मसाले वगैरह है, हल्दी है, इनके बहुत ही इजी तरीके से हमें इसका टेस्ट करना बताया गया, जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, हम अपने समाज में आस पड़ोस में इन सब चीज़ों को अवेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी जागरूक करने वाला है, और अनेक प्रकार की जानकारियाँ बच्चों को निःशुल्क ही हासिल हो गई हैं। दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं इस तरह की हैं जो खाद्य पदार्थों के रूप में खाई जा रही हैं, लेकिन उसमें कितनी मिलावट है और उस मिलावट से क्या क्या शरीर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, ये इनको बहुत आसानी से उपलब्ध होगी हैं, उन्हें जानकारी होगी है, और इस जानकारी को ये भविष्य में अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे हम इन बच्चों से बात की थी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और जागरूकता आई, और जो पेप्टिसाइड्स वगैरह खाद्य वस्तुओं में मिलते हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, कैसे उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, उनके बगैर अपने खाद्य वस्तुओं कैसे शुद्ध रूप में आहार में शामिल किया जाएगा, ये सब जानकारियाँ इन बच्चों को काफ़ी अच्छी लगी, और इनसे एक स्फूर्ति सी इनके अंदर आई कि हम अपने खाद्य वस्तुओं को अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे और इम्यूनिटी पावर शरीर में अच्छी तरह से डेवलप करेंगे। जितने भी खाद्य पदार्थों में मिलावट हैं 90% ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमें पता नहीं था, और वो साधारण बगैर केमिकली यूज किए भी शुद्ध की जा सकती हैं, वो आपने अपनी वर्कशॉप में इन्हें समझाई थी, इससे ये बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। और जैसे ही परिषदीय विद्यालयों में इनका संपर्क होगा, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि खाद्य वस्तुओं में किस तरह से मिलावट होती है, जो दैनिक रूप में दूध पी रहे हैं दूध में किस तरह से मिलावट है, मावे में, तेल में, अनेक सब्जियों में किस तरह से मिलावटें आ रही हैं,
और उन्हें कैसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे आसानी से उन्हें शुद्ध करके भोजन में प्रयोग किया जा सकता है। इससे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, मन भी ठीक रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य है तो अच्छी बुद्धि भी विकसित होगी। बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम, वी आर वेरी हैप्पी। जब आप शारीरिक सौंदर्यता बढ़ानी होती है तो आप जिम में जाते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनैलिटी तो इम्प्रूव करनी हो, साथ साथ ही मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी हो, तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको जाना होगा विज्ञान के जिम में। देश का पहला विज्ञान जिम कहें या यो कहें कि देश का पहला विज्ञान चैनल है विज्ञान आओ करके सीखे। प्रगति विज्ञान संस्था का यह चैनल अपने आप में एक विज्ञान जिम है, जहां पर आपकी और आपके बच्चों की मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।